हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुखविंदर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, GGDST कॉलेज हरियाणा हुशियारपुर। आज अभी करने जा रहे हैं रोस्टो थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। असल रोस्टो ने ग्रोथ दी स्टेजेस नू लेके एक थ्योरी दी है कि ग्रोथ है जी इस तरह नहीं हो जाती, अलग अलग स्टेजेस के निकलती है। जिस तरह अलग अलग इकोनमिस्ट्स ने दतिया है, जिस तरह कुछ एक जड़े इकोनमिस्ट लाइक फ्रेंडली क्लिस्ट एंड हिडलब्रांड ने कहा सगा कि आर्थिक विकास दी तीन जड़ियाँ स्टेजेस आ, प्राइमरी, सैकेंडरी ते टर्शरी, उन्होंने स्टेजेस कहे सी। कार्ल मार्क्स ने कहा कि तीन अलग स्टेजेस आ, उन्होंने कहा सोशलिज्म, दैन कैपिटलिज्म एंड दैन समाजवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद ते समाजवाद। फिर इस तरह प्रोफेसर रोस्टो है जोड़े, उन्होंने अपन स्टेज जड़िया अपनी बुक है वो द स्टेजस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो, इस किताब के स्टेजस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो, किताब का नाम आ द स्टेजस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो। स्टेजस दतिया डिवेलपमेंट दियाँ किड़ियाँ स्टेजेस आ, द ट्रडिशनल सोसाइटी, सब तो पहला हैगा परंपरागत समाज। दूसरी कंडीशन उन्होंने दिती परंपरागत समाज तो फिर आप शिफ्ट करते हैं प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ आत्म स्फूर्ति की पूर्व स्थिति। इन्हें स्टेज इंग्लिश के याद करना थोड़ा सौखा ही रहेगा। दैन थर्ड स्टेज उन्होंने दिती सी टेक ऑफ। देखो पहला सी टेक ऑफ तो पहला प्री टेक ऑफ, दैन थर्ड स्टेज है टेक ऑफ आत्म स्फूर्ति। दैन फोर्थ स्टेज उन्होंने दिती है ड्राइव टू मच्योरिटी, आत्मनिर्भरता दे वल, जो असं स्वै चलित उन्नति वालू चल पेंदे हैं। एंड फिफ्थ स्टेज फिर उन्होंने दिती है द स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, विशाल उपभोग की अवस्था। ये पांच स्टेजेस दती हैं। अज आप पहली स्टेज है जी वो करा द ट्रडिशनल सोसाइटी। ये जो रोस्टो आ उन्हों का मानना सगा कि हरेक इकोनमी सब तो पहला ट्रडिशनल सोसाइटी के निकलती है। ट्रडिशनल सोसाइटी की होंगी है जिदे पर कैपिटा प्रोडक्शन आ जी बहुत घट होंगी है, तो टकनीक का ज्ञान लोगों को बहुता नहीं होंगे, मतलब टकनीक आ जी डिवेलप नहीं हुई होंगी, तो पर कैपिटा प्रोडक्शन भी घट होंगी क्योंकि ओल्ड टकनीक्स होंगे, टकनीक्स तो होंगे ही नहीं, खैर वो कहता सी, और इस करके जी उत्पादन आहुत घट हों। रोस्टो ने क्या परंपरागत समाज मतलब ट्रडिशनल सोसाइटी एक अजि सोसाइटी होंगी है जिसका ढांचा की है सीमित उत्पादन के अंतर्गत न्यूटन तो पहलों के विज्ञान तकनीक भौतिक संसार की स्थिति के आधार पर विकसित होया। मतलब न्यूटन ने जो सिद्धांत दिता विज्ञान का सिद्धांत वो तो भी पहला जरा विकसित होया। विशेषतावान जड़िया उन्होंने दतिया वो अज असी करा इस लैक्चर के बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़िया बहुत सिंपल वाली विशेषतावान दतिया समाज दियाँ। सिंपल स्टेज होंगी है क्योंकि फस्ट स्टेज आ ग्रोथ अजे स्टार्ट होनी होंगी है, अजे तो आउटपुट बहुत घट हों, अजे कोई टकनीक नहीं यूज़ होंगी, तो पर कैपिटा प्रोडक्शन बहुत घट हों, टकनीक का ज्ञान लोगों नॉलेज बहुत घट हों, तो ये एक तरह ना स्टैटिक अवस्था भी नहीं कहता, वो कहता ये स्टैटिक अवस्था तो हो जाती ना जिद चेंज ही नहीं कर पाओगे, तुसी इनक्रीज़ कर ही नहीं सकते, पर यह स्टैटिक नहीं होंगी क्योंकि ये उत्पादन तुसी बढ़ा सकते हैं, तो पर एक लिमिट है कि उत्थे तक ही बढ़ सकता। तो इस स्टेज दियाँ उन्हें की विशेषतावान दी, पहली जी फीचर वो कहता भी ये खेती की प्रधानता होएगी, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये जी एग्रीकल्चर वो मेन किता होएगा, लोग खेती पर निर्भर करेंगे पर खेती पिछड़ी होएगी, मतलब ट्रडिशनल होएगी बैकवर्ड जी एग्रीकल्चर होएगी। नैक्सट हैगा सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली एंड कास्ट सिस्टम, तो दूसरा यह होएगा कि यह जो सिस्टम होएगा मतलब जी स्टेज होएगी जी असी ट्रडिशनल सोसाइटी है ये फैमिली तो कास्ट सिस्टम नू बहुत इंपोर्टेंस दी है, ये उत्तराधिकारी वाला जो निजम वो लागू होएगा, और ये व्यक्तिगत गुणों नू वधेरे महत्व नहीं दिता जाएगा, किस्मतवादी होणगे लोग जिहड़े आ ओ किस्मत ते ज़्यादा डिपेंड करनगे, रूढ़ीवादी होणगे। नैक्सट जिहड़ा पोलीटिकल पावर, राजनीति आर्थिक विकास की इस अवस्था में जिहड़ी राजनीतिक सत्ता आ वो थोड़े जिहे लोगों के कोल होएगी, जागीरदारां दे कोल जां सैनिकां दे कोल,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਟੈਕਨੀਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਟੇਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਸਟਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।